Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I'm just telling about the LTI Mindtree onboarding updated information. So new joining date updated, onboarding update for the 2023 batch candidate. तो guys good news है आप लोगों के कैंडिडेट जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट थे उनकी locations क्या है LTI Mindtree ने onboarding की updated information दे दी है जो कि 30th May 2024 है और 2023 बैच के कैंडिडेट हैं और लोकेशन आपकी कलकत्ता होने वाली है जो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2023 के वेट कर रहे थे तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि LTI Mindtree की आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कब तक ज्वाइनिंग है, क्या अपडेटेड है और ऑनबोर्डिंग कब तक होने वाली है। तो देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे LTI Mindtree ने मेल के थ्रू भेजे हैं कि उन्होंने शेड्यूल किया आपकी ऑनबोर्डिंग 30th May 2024 जो कि इडनाइट प्रोग्राम कंप्लीशन हो चुका था, सक्सेसफुल हो चुका था। तो उन्होंने ये भी मेंशन करके रखा है कि कंडक्टेड प्रोसेस विल बी 30th May एंड द क्लासरूम इज़ एट आर द कलकत्ता, Mindtree कैंपस विल बी योर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग लोकेशन। तो 30th May को 9 AM पे आप लोगों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो कि प्लान की गई अकोमोडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ योर अकेडमिक एंड प्रोसेस फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड मैनेज द कंसिस्टेंट ईयर अराउंड द टैलेंटेड सप्लाई ऑफर रिसेंट। प्लीज़ इन्फॉर्म दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग वर्क लोकेशन विल बी द अक्रॉस द LTI Mindtree सेंटर इंडिया बिजनेस डिमांड। वी वुड लाइक टू स्टेट दैट अग्री विद योर ओपन टू लर्निंग वेरियस इमर्जिंग द इन्फॉर्मेशन ये दी है तो टू बी फिल्ड बिफोर द 20th May 2024 में 6 May तक था। तो ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन गाइस आप लोगों ने फिल कर दिया होगा तो मैं आप लोगों को इसमें भी बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट की डेट कब तक आने वाली है क्योंकि ये जो हमारा 30th May है ये हमारा जो इग्नाइट बैच के कंप्लीट हो चुका था जिनके क्राइटेरिया 2023 बैच के कैंडिडेट थे ये उनके लिए फॉर्मेलिटीज़ आई हैं कलकत्ता लोकेशन के लिए। इसके पास भी क्योंकि ये बैचेस में अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मे एंड तक उन्होंने पहले ही बोला था कि हम ज्वाइनिंग देंगे तो उन्होंने यहाँ पर भी मैंशन रखा है। यहाँ पर उन्होंने लोकेशन जो मैंशन करके रखी है LTI Mindtree ऑफिस की कि उनकी आप लोगों ने देखा एडवांस इन्फिनिटी स्ट्रीट नंबर जो इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करके जाना है कैंपस पोर्टल पे अपलोडेड करने हैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने अपलोड कर दिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो दोबारा से आप लोगों के पास में मेल आ सकता है अगर आप लोगों ने नहीं किए होंगे। तो जिन जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन अभी तक कंप्लीट नहीं है तो वो पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। प्रोविजनल मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, SSC मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री पोस्ट डिग्री मार्कशीट, प्री फाइनल ईयर सेमेस्टर इंटरनेट कॉपी, प्रूफ ऑफ एज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ऑल दिस फॉर्मेलिटी यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ एंड अपलोडेड ऑन अ कैंपस पोर्टल। तो कैंपस पोर्टल की भी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर हमारे पास कैंपस पोर्टल पर ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारा मतलब ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्योंकि ड्यू टू द ग्लिच सॉफ्टवेयर की वजह से तो कंपनी ने अभी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पर आप लोग दोबारा से अपलोड कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट थे शायद रह गए होंगे। और देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या है, ऑनबोर्डिंग विल बी कंफर्म सब्जेक्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑल द ऑलमेंट। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंफर्म हो जाएंगे कैंपस पोर्टल पर तभी आपकी ऑनबोर्डिंग कंफर्म की जाएगी। ओरिजिनल कॉपी आप लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ले जानी पड़ेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की, ये कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मैनेज देयर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस ऑन देयर ओन। सो खुद के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अकोमोडेशन करने पड़ेंगे और सर्वे मेल रिस्पॉन्सिबल विल बी नॉट बी द मॉनिटर्ड। तो गाइस जितने सारे कैंडिडेट हैं उनके पास गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब बात करते हैं रिमेनिंग कैंडिडेट की जिनका इग्नाइट का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो चुका था इग्नाइट बैच 1 बैच 2 इग्नाइट 2 जितने भी कैंडिडेट थे। तो बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ 7th या हमारे 8th जून तक चांसेस हैं क्योंकि मैंने सीनियर से अपने पूछा है तो उन्होंने बोल रहे हैं कि उन्होंने स्टार्ट कर दी ऑनबोर्डिंग कलकत्ता लोकेशन के लिए तो शायद अनदर बैच वो लोग शायद फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी ले सकते हैं। तो जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए और आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है। बी पॉजिटिव और ज्वाइनिंग ज़रूर होगी और प्रिपेयर रखिए अपने आप को, स्किल्स में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को टर्मिनेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ये प्रोसेस फॉलो कर रही हैं और टर्मिनेट तुरंत कर देती हैं क्योंकि उनको कोई भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। थैंक यू।